पहला प्राइवेट मेंबर्स बिल जो आज मैंने आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल जी के ओर से पेश किया वो है देश के करोड़ों किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक लीगल राइट, कानूनी गारंटी देने का कानून। देश में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हमने देखा, उस किसान आंदोलन की जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ उसकी दो मुख्य मांग थी, एक कि तीन काले कानून खारिज करे जाएं और दूसरा कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने यह घोषणा करी कि किसानों को हम वादा करते हैं आप अपना आंदोलन समाप्त करें, हम एमएसपी के लिए कानून बनाकर उसे लीगल गारंटी देंगे, लेकिन एमएसपी का कानून नहीं बना। कानून तो दूर, एक एमएसपी की फर्जी कमेटी भाजपा ने बनाई जिस कमेटी में सिर्फ भाजपा के समर्थक, भाजपा के पिट्ठू और भाजपा के कार्यकर्ता और सदस्य थे, जिस कमेटी का कोई औचित्य नहीं था। इसीलिए मजबूरन आम आदमी पार्टी को, जिस पार्टी ने हमेशा देश के किसान का साथ दिया, उस पार्टी ने आज इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है। मैं आज आपके माध्यम से पंजाब के लाखों किसानों को भी कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी और भगवंत मान साहब की सरकार देश के किसान के साथ खड़ी है और हम सारे के सारे मान सरकार के सांसद और पूरी मान सरकार साथ सारे किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दे के रहेंगे, दिला के रहेंगे। जो मेरा कानून है उसके तीन चार मुख्य बिंदु मैं आपके समक्ष रख दूं, फिर मैं दूसरे कानून पे चलूंगा। पहला कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, लीगल राइट बने, और अगर किसी भी किसान को उस कानूनी गारंटी से वंचित रखा जाता है तो जो फसल को खरीद रहा है, जो परचेजर है, ट्रेडर है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसे 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना या किसान का जो नुकसान हुआ उसका 200% पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इसके साथ साथ उस ट्रेडर या उस परचेजर की लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। ये एमएसपी 1 हफ्ते के भीतर देश के किसान को दिया जाएगा उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात, इस एमएसपी को स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले के तहत तय किया जाएगा, जो एक बहुत बड़ी मांग देश के किसान की सालों से थी, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2014 से लेकर 2019 के मैनिफेस्टो में लिखकर कहा था कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, वो एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन वाला देश के किसान को दे। भाजपा ने तो नहीं दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की आम आदमी पार्टी ये देश के किसान को देने जा रही है। तो ये हमारा आज का पहला कानून बनाने के लिए बिल जो पेश किया गया भारत की संसद में, उसके बारे में मुख्य बिंदु थे।